दर्शकगण, एक दफे एक गांव में पूरी बारात बीच में रुक गई। पूरी बारात बीच में रुक गई। घराती सुन और दूल्हा साला लगा दहेज में सोने का हाथी मांगने। दूल्हा साला लगा दहेज में सोने का हाथी मांगने। एक काम कर, तू बता ले। अब इसमें बताना क्या है। तुरंत समधी के घर चिट्ठी भेजी गई। समधी लगा कांपने, समधन थर थराने लगी। अब करे तो क्या करे। तभी एक बड़ा धमाका हो गया। समधी और समधन की दशा देखकर बाबा लोचन दास को दया आ गई। अब बाबा लोचन दास तो ठहरे भगवान। उन्होंने भट्टर राक्षस का रूप धरा और बरातियों पर टूट पड़े। क्या तो रूप था भैया। मील मील भर के लंबे तार, चार चार जंगलों जैसे छितरे बाल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे हाथ पैर। जोर से हुंकारा भरा तो पता है क्या हुआ। क्या हुआ? गाँव को श्राप दे गए। कैसा श्राप? यही देखना, तेरे कोप से
इस गांव की सारी औरतें अपने आदमी के संग को तरसी। तब से अमृत रसराय भैया वो तो सब ठीक है भाई साहब, मगर ये चढ़ाना कपड़े, अरे खबरदार तो हमें भाई साहब ऐसा कर दो, अरे 7 दिन तक हम तलाक जनाना है भाई। तलाक जना मतलब? अरे हमारा नाम जनाना, हमारा वर्ताव जनाना, सब कुछ जनाना। हमारा नाम कमला है, मर्दाना नाम कमलेश्वर सिंह। देखिए कमला भाई मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझे ये 7 दिन वाली बात समझ में नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, बैठ मैं तुझे समझाती हूँ। एक दिन लोगों ने देखा कि बाबा की चट्टान से लहू टपक रहा था, लोग घबराए, ना कोई लाश ना कोई जानवर। फिर ये लहू कैसे? तभी वहाँ से बाबा रोचन दास का एक चेला गुजरा, उसी ने लहू निकलने का खुलासा किया। वो चिल्ला कर बोला, अरे ये बाबा का श्राप है, आज से इस गांव में आदमी और औरत का मिलन खत्म। लोग घबराए, उसके सामने गिड़गिड़ाए कि महाराज बचने का कोई उपाय तो बताओ। फिर क्या कहा उसने? वो बोला, एक ही उपाय है, अगर इस गांव की सारी जवान औरतें बाबा के मंदिर में नाच गाकर मिन्नत करें और अपने अपने आदमियों से दूर रहे, दामन में एक भी दाग न लग पाए तो श्राप छूट सकता है। और हाँ, अगर औरत हाजिर ना हो तो आदमी ही औरत बने और अपने अपने लुगाइयों से दूर रहे, एकदम पवित्र पोशाक औरत की, बर्ताव औरत का। तब से ये सब होने लगा भाई। और जो आदमी औरत बने थे उनकी लुगाइयां? अरे बाबा का ये भी आदेश था कि आपस में सब सखी भाव से रहे, ताका झाकी लप्पा झपकी तो ठीक, इसके आगे कुछ नहीं। ये तो बड़ी मजेदार बात हुई। मजेदार है तो चलो बनो हमारे साथ। मैं तो जानकारी नहीं आया था, मैं शुक्रिया का की बात है। ऐसे कैसे जाओगी रानी, 7 दिन तक तुझे जमाना पड़ना ही पड़ेगा लड़ो। अरे वाह, मैं क्यों बनू जलाना? अरे देख, मैंने पहले ही मना किया था कि किस्सा मत सुन। बाबा का ये भी आदेश है कि जो ये किस्सा सुनेगा उसे 7 दिन तक जनाना बनना होगा। किस्सा सुनने की सिर्फ तूने की थी, चल अब बन जनाना। आइए आप भी बनिए जनाना। वो क्यों बने जनाना? क्यों, तुमने भी तो किस्सा सुना है। मकारी मत कर, तुझे जनाना बनना ही होगा। क्या जूं तो बहुत पड़ता हूँ, मैं तो बसी हुई। देख बे, मैं पोशाक से जनाना हूँ, भीतर से पूरा मरद हूँ मरद। ज्यादा चीच पुड़की तो प्राण खींच लूंगा तेरे। बाबा हटिए, छोड़िए तुम, नहीं ना कीजिए, वरना चिल्ला के दरोगा को बुला लूंगा। हां दरोगा का यार तेल लेने, दरोगा अगर यहाँ भी आया भी ना तो उसे भी जनाना बनना होगा। तुम क्या मारे आया समझे? जाने दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, ये लीजिए कुछ रुपए पैसे ले लीजिए, माफ कर दीजिए देवी। अरे देखो सखियो, ये अनुमान नोट दिखा रहा है। अरे आओ लूटो हरामी की इज्जत। Yeah.
धनिया, तुम्हें तो संकल्प लेना है नहीं जान। बोल क्या बोलू? बोल, 7 दिन तक संकल्प की रक्षा करूंगी। मैं बोलती कभी 7 दिन तक संकल्प की रक्षा करूंगा? अरे लास्ट विजय करूंगा नहीं करूंगी। बोल 7 दिन तक तुझे जनाना पड़ना। बोल 7 दिन तक संकल्प की रक्षा करूंगी। 7 दिन तक जमीन पर सोऊंगी। चारपाई पर मेरी लुगाई सोएगी। मेरी लुगाई सोएगी। उसके पास कतई नहीं जाऊंगी। 7 दिन तक तुम कतई नहीं जाऊंगी। बाबा लोचन दास को अपना पति मानूंगी। बाबा लोचन दास को अपना पति? ये कैसे हो सकता है? अरे वो तो मर चुके हैं। यानी मैं विधवा, शादी से पहले विधवा। बाबा हमेशा जिंदा रहते हैं। बोल, मैं लोचन दास की सबसे नई लुगाई हूँ। मैं लोचन दास की सबसे नई लुगाई हूँ। बस शाबाश भाई, बधाई हो। ये काम कब पूरा होगा? हाँ अब बता, नाम क्या है तेरा? अबे आखिरी वाला नाम। मेरा नाम तिलावर है। क्या नाम रखे दूसरा? अरे दिलावरी कैसी रहे? क्या बात है, दिलावर की दिलावरी। अरे भाई स्वागत करो इसका। नौटंकी पार्टी वाले दोस्त जानते हैं कि मैं कैरेक्टर का बहुत ही ढीला हूँ। दरअसल ये कांता मुझे बहुत पसंद आ गई है। मेरी नौटंकी पार्टी के लिए बिल्कुल फिट है। इसे तो पटाना ही पड़ेगा। चलो अपने काम पे लगता हूँ। नहीं, लगती हूँ। एक प्यारी सखी कांता। हमें कुछ बात करनी है। एक प्यारी सखी कांता, तुम इतनी सुंदर हो। अरे हट, तुम्हारे नाम कांता कैसे हो? अरे जनाना होने से पहले हम कांतीलाल थे भाई। अरे वाह, अब हमारी सुन। हम हैं नौटंकी के एक कलाकार। नौटंकी में हमारे भाई हैं, चमेली भाई। अरे पहले हमने भी तो बहुत करी है नौटंकी। अरे ये किसका बात है? हाँ। पहले हमारी सुनो। हुआ यू, चमेली भाई ने हमें ताना मारा। क्या? कि तुम आदमी हो या लहंगा? दरअसल हमारी नौटंकी में मर्द कलाकार चलाना का पार्ट करते हैं तो लहंगा पहनते हैं। हाँ। बस चमेली भाई इसी बात पे अड़ गए कि आदमी और औरत में क्या फर्क है। अरे यार, है भी और नहीं भी। भैया कैसे? अरे है तो दोनों इंसान। हाँ। फर्क बस फितरत और तजुर्बे का है। अरे वाह, तुम तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो। नाटक नौटंकी में मर्द भी जनाना बनते हैं। हाँ। और तो और अपने तजुर्बों से ही वो औरत का पारा निभाते हैं। हाँ। तो आदमी यही औरतों के साथ होता है। अरे अच्छा, ज्यादा झाड़ो मत। अगर एमए हो तो ये बताओ कि किस मर्द ने सबसे पहले जनाने का पारण किया था? विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान ने? तुम सबने कहानी तो सुनी होगी कि भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा था। मोहिनी रूप यानी जनाना? यानी मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान ने औरत होने का तजुर्बा लक्ष्मी के से लिया। भाड़ मचा तुम सब, अपनी औकात में रहो। मोहिनी रूप धर के जाके अपने घर की भस्मासुरनियों से बदला लो। पहले लेंगे बदला लेंगे, पर पहले तुम्हारी मुखिया। मैं मुखिया? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। Bye.
रे, तो कह दो। बाबा की कसम। हाँ, बाबा की कसम। बस। कांता, मैं ना तुझे प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ। अरे मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ। अरे तू मेरी हूँ क्या? तुम्हारे हाथ में लहुआ मार दिया क्या? मेरी नौटंकी पार्टी में चलो। अरे तुम बहुत अच्छी कलाकार हो और यह गाँव में बड़ी बड़ी सड़ रही हो। अरे तुम चलो, मैं तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। अरे नाम का टंका बजेगा तेरा, टंका। और रुपया पैसा? पैसे से माला माल हो जाओगी। और अगर वहाँ मन नहीं लगा तो? अरे तो बेशक वापस चलिए। लेकिन अपना घर छोड़ के कैसे जाऊंगी भला? अरे बीच बीच में आती रहना यार। लेकिन 7 दिन तक मैं कहीं जा नहीं सकती। बाबा की पहली और आखिरी पूजा में हाजिरी जरूरी है। हाँ। और फिर वैसे भी तुम 7 दिन तक चलाना रहोगी। हाँ। 7वें दिन मैं तुम्हें खुद गाँव ला के छोड़ दूंगी। अब तुम मान लो मेरी जान। अरे तो फिर 7 दिन बाद ही चलेंगे ना। अरे घमंड, अगर मैं यहाँ 7 दिन तक रही तो वहाँ चलेगी भाई, मुझे कच्चा चला जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, मैं ऐसा नहीं बोले दूंगी। तो बात पक्की समझो। पक्की? ये लो एडवांस का रुपया। हाँ, सुनो तो। हाँ। मैं रात के अंधेरे में पीछे से मेंढक की आवाज में बोलूंगी और तुम चुपके से पिछले दरवाजे से फाड़ के चली आना। ठीक है? ठीक है। सुनो तो। हाँ। अब तुम प्यार करने दो का मौका। होता है शुरू पापी सुन नाम अमीर दमेश दे एक पताप नशीन एक बदल से शाह और रैयत पर एक सुल्तान सरदार एक सुल्तानी शहर थी उनके नामों की पारी प्यारी Hey!
रहे हैं, टिकट बिक रहे हैं। मुझसे कुछ हुआ क्या? हाँ, कुछ गलती हुई मुझसे? हाँ, हुई। क्या हुई? उसने जानबूझकर बाबा लोचनदास का नेम क्यों छोड़ा? जनाना वेश क्यों छोड़ा? तुम वहां की दो गली हो, तुम्हारी बाबा चमेली जैन ने मुझे सब बता दिया। अरे क्या बता दिया है, क्या बता दिया जी? अरे वो चमेली बहुत बड़ी चुड़ैल है, उसी की वजह से चनानी पोछा छोड़नी पड़ी मुझे। अच्छा, क्या जिद करी उसने? उसने कहा कि नौटंकी में जमींदार का रोल तुम्हें करना है। अब जमींदार जनाना तो होते नहीं। और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे लोचनदास भोजनदास का नेम गया चूल्हे में, हमारी नौटंकी जलनी चाहिए। ऐसा कहा उसने? अरे कई बार कहा, बिल्कुल कहा। ठीक, करवाती हूँ चमेली जान से तुम्हारा आमना सामना। 100 बार करवाओ, मैं क्या करती हूँ चुड़ैल से? अरे यार, डर तो मुझे लग रहा है। लग रहा है? क्यों लग रहा है? अरे ये छोड़ो सब झंझट, तुम तो ये देखो कि तुम लोगों के दिलों पर छा गई हो। मारे गए गुलफाम, अजी हमारे गए गुलफाम। अरे तुम मारा मार हो गई हो, उससे कोई गलती हुई हो तो जो सजा देना चाहो, हर सजा मंजूर है। अरे मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? सजा देंगे तो बाबा लोचन दास देंगे। ठीक है, मैं बाबा लोचन दास के बाजार में जाकर माथा टेकूंगा, नाक रगड़ूंगा, बकरा और मुर्गा तक कटवाऊंगा। अब तो कुछ जरूर बनी लेकिन चरखा नहीं उस साले। बाबा की पूजा के बस अब 2 दिन और बचे, उसके बाद तो मैं आदमी हो जाऊंगी पक्का, सरंड जैसा आदमी। कहां से कहां पहुंचा दिया? पर तू साले कमार के कमार राज कुत्ते, निकल अभी यहां से, निकल निकल यहां से। कोई कहीं नहीं निकलेगा, पर तुम होते कौन हो निकालने वाले? मैं यहां होता हूं और यहां मेरी मर्जी चलेगी। होश में रहो दिलावर, बहुत दिन से तुम्हारी बदतमीजियां देख रही हूं मैं। क्या, कैसी बदतमीजी जी? यही कि कई दिनों से तुम कांता से नाजायज रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हो। इतने गिर गए हो तुम। इसमें गिरने वाली क्या बात है? होते हुए भी तुमने पहले मुझ पर डोरे डाले और मैं न मानी तो इस कमीजी पर उतर आए। अरे हवस के कीड़े हो तुम, पर तार आगे से ऐसी हरकत की तो मैं कहती हूँ चला जाया तू। अरे निकल यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ कमीनी, और तेरी नियत से मैं वाकिफ हूँ। जा जाती की सब संग्रहिया मना और मौज कर, और जब मैं वापस आऊंगा ना तो तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं कहता हूँ रुक साले। क्या करी उपासना, तुम बैठो यहाँ, अच्छे से जानती हूँ साथी को बहुत हरामी है। अरे क्या करूँ काका, मजबूरी है मेरी, कंपनी के बाहरी काम यही देखता है। तुम्हारा लगता क्या है? हाँ ये लगता है दूर के रिश्ते का, कंपनी में यही लेकर आया था मुझे, पहला फुसला कर जैसे तुम्हें लेकर आया। कंपनी की पहली मालकिन फूलबंदी थी, बहुत ही नेक और भली औरत, उसकी हारी बीमारी में मैंने बहुत सेवा की। बढ़ते बढ़ते वो ये कंपनी मेरे नाम कर ले, बस दिलावर के सीने में तो जैसे आग लग गई। मगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा वो। अरे वो साला एक बार मेरे सामने आ तो जाए, अरे गर्दन मोड़ दूंगा साले। ये सब छोड़ो, एक बात बताओ। कौन सी बात? वही जो तुम दिलावर से कह रही थी कि 2 दिन बाद तुम पक्के मरक हो जाओगे खुले सांप जैसे। ये बात सच है क्या? अरे कौन सी? यही कि तुम सांड बन जाओगे अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारी बातें छुप छुप कर सुन रही थी क्या? और क्या, खबरदार है ना कहीं छुप छुप कर तुम्हारे दिल में ना घुस जाओ। सच्ची बहुत जलन होती है तुझसे। क्यों जलन? क्यों? कंपनी में नई नई आई और छा गई सब पर, कंपनी का नाम कर दिया, नंबर वन छुरी कटारी हो गई है। अगर ये भी तो सच है कि कंपनी को खूब कामयाबी मिली, देखना गोरमा के मेले में तो सबको लूट लोगी तुम। लेकिन हमें तो अपने घर जाना है, पापा की आखिरी पूजा कर ली, हम नहीं जा सकेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव, 2 दिन खेल दिखाएंगे तब तक पूजा भी हो जाएगी और फिर दोनों गोरमा मेले के लिए निकलेंगे। खूब कमाई होगी। लेकिन दिलावर नहीं जाएगा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे गांव गया तो मेरे गांव वाले उसे मार डालेंगे। अरे बाबा का नेम तोड़ा है उसने, जनाना भेज छोड़ा है, अरे साला नरक में जाएगा नरक में। थोड़ी मुश्किल तो होगी इंतजाम करने में,
मगर कोई बात नहीं, दो दिन बाद तुम भी तो पक्के मर्द हो जाओगे खुले सांप जैसे। फिर हमारी याद कहाँ आएगी तुम्हें, सच कह रही हूँ ना? अरे नहीं यार, जब तुम्हारी कंपनी भागी गई है तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे यार। सच? तो खा मेरी कसम। तेरी कसम। अपने से बांध के रखूंगी तुझे। औरत को अकेले तड़पने की चिंता,
अरे मेरी भी मस्ती मारी गई थी, क्या जरूरत थी उस चमेली चट्टी को मेरे आने की। अगर शांति से काम लेती तो बोट के पुजकार के मैं उसे अपने मरद से अलग कर देती। पर अब क्या करूं, रात शुरू हो गई मेरे अकेले तड़पने की बेला। आखिर मैं कब तड़पी नहीं, नहीं नहीं ब्याह की आई तो सारा गांव बाबा लोचन दास के प्रेम में डूबा था। हाँ, मुझे पुरानी बातें याद आई जब मैं नई नई ब्याह की आई और 16 सिंगार करके घटिए पे बैठी मैं। मगर मेरी फूटी किस्मत मेरे मरद को चढ़ाना भेज में मेरे सामने आने में शर्म, इधर से पीछे परेशान मेरा मरद और बाहर से बाबा लोचन दास का नेम। मजाती रही मेरी मौसिया साफ परेशान हैरान हलकान मगर थी मंत्रा की काकी। मुल्ला, अरे मुल्ला, अरे सो गई क्या? तेरे चक्कर, देख कहाँ रह तेरे लिए? मेरे पकड़ और कितने कार लगे आने में? अरे निगोड़ी, देख तू कैसे उदास है निराश है? अब तुझे क्या मस्ती नहीं छा रही फुलता? ये बता, रोटी खाएगी भूखी बैठी रहेगी? हाँ ठीक है चल जा, मैं सो जा। बाबू, ले जाए अंदर। ओ हाँ, दोनों लोग अंदर से कुंडी लगा लेना। रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जाना। मन मचलने लगा ना, पाप फिसलने लगा ना। अरे अब तो घूंघट उठा दो। भेज चलाना, भेज उतार कर पूरा मर्द हो जाओ क्या? हाँ, पापा का नेम तोड़ देगा क्या कांतिलाल? कांता बोल, कांता। ठीक है तू की जनानी मैं भी जनानी, क्या तो कर लेंगे हम। अरे मैं दिन भर की थकी मांदी हूँ। तो अब कैसे लगते है हमारे जनाना शर्म। सोचा था तुम आओगे। अरे आओगे नहीं, आओगी बोल। बाबा का नेम नष्ट करने की गलती मत कर बुल्लो, श्राप लग जाएगा। क्यों, जनानी जनानी एक दूसरे की नहीं हो सकती का? अरे खुद को काबू रखना आसान नहीं होता मर्द को। तुम क्या मर्द थे? अरे बचपन से ही जनाना थे मेरी फूटी किस्मत। अरे 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 अच्छा रार मत करो, एक काम करो क्या के मौसी के पास सो जाओ। क्या? अरे धीरज रखो दो चार दिन। हाँ, रख लूंगी। एक बात बताओ। कौन सी बात? जैसे तेरा जी चलता है वैसे मेरा भी चलता है, पर क्या करें, बाबा का नेम तो निभाना है ना गुल्लो। तू भी प्यासी मैं भी प्यासा और पानी कहीं है नहीं। अरे तो करें क्या हम दोनों? तड़पते रहेंगे और क्या, तड़पने में भी तो खर्चा है। नहीं गुल्लो, एक बार ही नेम पूरा होने दे। नहीं गुल्लो, नहीं, एक बार ही नेम पूरा होने दे। और वैसे भी तू तो इतनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। आई लव यू यार। देखना गुल्लो, जैसे ही नेम पूरा होगा तो हम लोग भाग कर एक कमरे में बंद हो जाएंगे और ताली 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 कुएं में फेंक देंगे। लाओ, कमरा बंद कर दोगे और ताली कुएं में फेंक दोगे, फिर क्या होवेगो? अरे होवेगो क्या, परिवार नियोजन वाला रोवेगो। Thank you.
मर्दों की मौजूदगी में नहीं मना पाती, उनकी गैरहाजिरी में ऐलानियां मना रही हैं। लगता है अपनी तभी कुछ इच्छाओं को दहलने से बाहर निकाल रही हैं। यहाँ मर्दों का आना मना है, लेकिन इनके मर्द गए कहाँ यार? अरे यार, सारे मर्द जनाना भेष में बाबा लोचन दास के मंदिर में पूजा कर रहे हैं और औरतें अपनी मौज मना रही हैं। अरे हाँ, देख तो, किसी ने अपने मर्द का कोट पहन रखा है, कोई हैट लगा है, किसी ने टाई लगा रखी है, और देख देख तो कोई मूंछे धरे है, अरे किसी ने चश्मा लगा रखा है। सब चोरी छिपे मर्दाना बर्ताव कर रही है। हाँ, शर्म नला। अरे अरे अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? औरतों के बीच शर्म नहीं आती? लफंगे छिछोरे कहके माँ बहनी है क्या तुम्हारे घर में? है है काकी, घर पे नहीं। अरे काकी अंधी हो क्या? वो क्या बची माँ घेरा बना के? हाँ तो यहाँ पर आई सभी माँ बहनों और भौजाइयों को हमारी राम जुहार। आओ नानी, तो चलो जी शुरू करते हैं नकल सॉन्ग जगराता। अब यहाँ पर कोई नहीं है, हम सब अकेले हैं, तो क्यों ना मैं ही स्टार्ट करूँ? हाँ चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 अपने मायके से कह देती हूँ, घर में अकेली नहीं रहूंगी मैं।
कौन है
हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हिम्मत से नहीं, डर के मारे आया हूँ बाजी। अभी भी चनादा भेस धरे हुए हैं फड़वे। चल भाग के यहाँ से और दफा हो जा। मेरा घर बर्बाद करके तुझे जैन नहीं पड़ा जो तू जले पर नमक छिड़कने आया है। अरे बजदार मैं कह रहा हूँ ले मार मार ले मुझे। मैं इसी लायक हूँ बाजी। कांति लाल और चमेली ने तो मुझे मारा है। ले अभी मार ले मुझे। अरे उन्हें बहुत समझाया कांतिलाल को कि चुड़ैल के चक्कर में अपने घर वाले की जिंदगी मत बर्बाद कर मत कर। और चुड़ैल को भी कहा कि कांतिलाल का घर मत बर्बाद कर रोतनी। मगर दोनों ने मिलकर मुझे इतना पीटा कि पला मांगने में तुम्हारी शरण में आई। पर क्या फायदा? ले मार ले जान ले ले मेरी। उन दोनों ने मिलकर मारा तुझे? अरे कई बार मारा भौजी, इस चलाने को मारा। तो तू बदला लेना चाहता? बिल्कुल चाहती। तू मेरे साथ होगी? बोलो भौजी। पर मैं हूँ कौन तेरी? फिलहाल तो मैं तुम्हारी ननद हूँ। आओ गले से लगा लो। अरे हट, पहले ये बता कि उन दोनों में से तेरा पक्का दुश्मन कौन है? वो चुट्टी चमेली। अरे दुश्मन तो वो मेरी भी है, पर तू इतनी क्यों भिदक रही है? अरे वो चंडाली जादू टोना जानती है, वशीकरण मंत्र से आदमियों को हर लेती है। तेरा आदमी हरा की नहीं? अरे मुझे वो मिल जाए चुट्टी तो छोटा पकड़ के ऐसा पछाड़ूंगी कि प्राण निकल जाएंगे कुट्टी के। इसका मतलब तेरा और मेरा दुश्मन एक मिला। अरे हट। और खबरदार जो मुझे छूने की जरूरत थी। तेरा कोई भरोसा नहीं है मैं रुपये? कसम से मैं रुपया नहीं हूँ। वो तो उस कमला रंगी लावड़ी नाम दिया था। नाम से क्या होता है? किसी को कांटों से प्यार होता है तो किसी को फूलों से नफरत। तेरे लिए क्या हूँ मैं फूलो? फूल या कांटा? मेरे लिए तो नीला नकाल निकल ले। तू तो वो कांटा है जिससे दूसरा कांटा निकाला जा सकता है। देख तू तो मेरी बेइज्जती कर रही है। हाँ हाँ, तेरे इज्जत के तो छटने गड़े हैं। तो ठीक है, फिर मेरा यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। जरूर तेरा कोई फायदा होगा जो तू छुप छुपा के मेरे पास आया। अरे मैं तो तेरे फायदे के लिए आया हूँ गुल्लो। चल खींच के मारूंगी चुट्टे। ये देख इसमें मेरा क्या फायदा? ये देख कांतिलाल और चमेली की ऐसे रकम लूट के लाया हूँ तेरे लिए कि तू मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूँ? अरे तू ही तो उसे पहला फुसला के ले गया था कमीने। उसी बात का तो प्रायश्चित करने आया हूँ यहाँ यार। बाबा लोचन दास का संकट बीच में छोड़ के भाग गई थी तो वापस कैसे आती? एक सयाले ने हुक्म दिया कि 15 दिन के लिए एक बार फिर जनाना बन जा तो बाबा लोचन दास तुझे माफ कर देंगे। तो मैंने झट से पैंट कमीज उतारी और जनाना कपड़े पहनी। तुम्हारी कसम खाता हूँ कि कांतिलाल को तुमसे मिलवा के रहूंगा और प्राण खींच लूंगा उसको दुनिया के जिसने अपने हस्त के जाल में कांतिलाल को बेड़ा बना रखा है। सच? तो क्या झूठ? कितनी प्यारी बातें कर रहा है तू। तो तेरे साथ बैठ जाऊं? अच्छा 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 बैठ जा, पर कोई हरकत नहीं करना। नहीं करूंगा, बस तू जरा सा चिपक के बैठ जा। फिर वही कुत्ती बात तेरे। अरे जनानी जनाने के साथ क्या कर लेगी यार? मैं तो यहाँ तेरा अकेलापन दूर करने आई थी। अरे कितना सह रही है तू लोगों के ताने उलाने। लोग ना जाने तेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। अरे कौन नास पीटा है जो मुझे ताने देता है? अरे किसकी हिम्मत है जो मुझे बदनाम करे? अरे झाड़ू मारी बातों पर किस किस का मुंह पकड़ेगी तू? तुमसे किसने कहा ये बता? अब सीधे सीधे कौन कहता है जी? तुमसे किसने कहा ये बता? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं। नहीं बताएगी? नहीं। नहीं बताएगी? उसके बाद एक पप्पी देगी। क्या? दो पप्पी देगी। आज चार दूंगी। छह पप्पी देगी। आठ दूंगी। दस पप्पी देगी। करता नहीं करती। और हाँ,
कमरे के अंदर तुम दोनों का खुसुर फुसुर करती रहती हो। बोला अरे नहीं समझी। अरे गुल्लो गुल्लो रानी बुलाओ गुल्लो को, वो यही रहती है, अभी बुलाती हूँ। गुल्लो बाबूजी 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 देखो हम डंडा फसा बिल्कुल ले जाते, लगभग शरीफ आदमी है हम। क्यों बे अब क्या क्यों निकल गई सारी खूब हरी रह गई तुम लोगों की बहादुरी लफंगे साले। अब आ रहा हूँ पर यार हमें दिनापी को इतना नहीं छेड़ना चाहिए था। गुल्लो आ जाती तो अरे गुल्लो आ जाती तो कयामत आ जाती, धरती डोलने लगती। साले डरपोक मर्दूत कहीं के। अबे तू ऐसे क्यों बोल रहा है भाई? अरे भाई भाई की ऐसी की तैसी, तुझे पता भी है कितनी छिना रही है। अरे वो कामता वहाँ प्रदेश में और यहाँ ये नौटंक किया जनाने भेष में। अरे ये मच्छर पूरी तरह आ जा सुबह शाम मौजा मौजा। ए गुल्लो के बारे में ऐसी उसी बातें मत कर। कहें ना कर हाँ कहें ना कर ये पता भी है। एक बार ये मेरे भी पीछे पड़ी थी, छमक के बैठती थी सारी, लेकिन मैंने भी जमाई की लगती और छूटा उखाड़ के फेंक के चला। तो गुल्लो बहुत सुनो वो पीलू की बहू मुझे बता रही थी वो एक दिन गई गुल्लो के हाल चाल है, आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाती रही, गुल्लो ने दरवाजा ही नहीं खोला, बस अंदर खुसुर खुसुर की आवाज आती रही। और जब दरवाजा खुला तो गुल्लो ऐसे नाश्त पास की क्या बताऊं भाई, हमको तो कांती आपको खबर करनी चाहिए। अबे अब क्या वो घंटा उखाड़ लेगा, वो भी तो वहाँ मौज मना रहा उस पतुरिया के साथ। भाई खबर करनी चाहिए बनता है अपना। अरे लेकिन खबर कैसे करें? अरे यहीं से हाथ देते हैं। ट्रेन 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 कांतिलाल। अरे ओ कांतिलाल। अबे होश में आ, वे देख यहाँ क्या हो रहा है। कांतिलाल ओ कांतिलाल। अबे ट्रेन 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 बाबा। क्यों सदाचारी तो ठोकर खाए और ये भ्रष्टाचारी
अल्लाह की गलती बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से पटक पटक कर जा रही। अरे गुल्लो, अरे गुल्लो क्या कर रही हो? अरे जान दे दो कि क्या? देखो बाबा सबको बराबरी से देखते हैं। और देखो गुल्लो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे आदमी ने बाबा का नियम ढंग से ना निभाया। और क्या, और तू तो बात ही नहीं उसके साथ जो उस पर नजर रखती। अब परेशान होने से क्या फायदा? तुम खोट निकालोगे मेरे बरत पे। अरे मैं तुम्हें जानती नहीं क्या? मेरे बरत के जाने के बाद तुम ही आए थे मुझे वशीकरण मंत्र देने, छू रहे थे मुझे, बहला रहे थे, फुसला रहे थे मुझे। अरे तभी तुम्हारी नियत भाव ली थी मैंने। अरे कमीना, मुझे पटा कर क्या जा रहे हो ये मुझे नहीं मालूम। अरे चील कम है नोचे तुम्हें, कीड़े पड़े तुम्हारे तहरी में। अरे ये पगला हो गई हो तुम? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। अरे लागिन बन गई हूँ, टकलूंगी तुम्हें, कच्चा चबा जाओगे। अरे भागते घर आ जा दो, जितना मजा लूटना है आज ही लूट ले साले।
तेरा ही नाम जप रही थी, तेरा ही गुणगान कर रही थी। ये तीती चीती क्या कर रहे हो? अरे भेस चलाना है पर वो मरद नेम ना तोड़ो पर मर्दानगी भी ना छोड़ो। रुकिए कहीं के लो गला सूख रहा होगा, मैं आई अभी। देखा आपने कितनी चंट है, हाथ तक नहीं रखने दिया, हाथ से छुआ नहीं कि जैसे मैं इसका ससुर लगता हूँ। अबे हट साले दिलावर, नहीं पीना शर्बत फरबत, लटका रही है साला। अरे शर्बत तो जैसे का तैसा रखा है, पिया क्यों नहीं? यहाँ बैठे मेरी राह देख रहा था कि तुझे गोदी में बिठा कर चिम्मच से पिलाऊंगी। देनी पड़े पी ले कुंडिया में फंदे, फिर भाई हरकत चाकू मार दूंगी। तुम्हारी उंगलियां कितनी खूबसूरत है, तो काट के दे तू। देखना सीधे मेरे चक्कर में तो पड़ियो मत, मुंह की खाएगा तो रोना मत। हाँ हाँ रोना तो हमारी तकदीर में लिखा है, हम ठहरे नौटंकियों के अछूत कलाकार, और हमारे छूने से तो पवित्र हो जाओगी ना, और जो हमने खूबसूरती की तारीफ कर दी तो समझो हमारी नीयत खराब। यही कहना चाहती हो ना शरीफ जादी, ऐसा था तो फिर शरबत क्यों पिलाया, जहर पिला देती, मेरा यहाँ से जाना ही थी। अरे रे रे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना पारा चढ़ गया? नहीं नहीं तुमने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना लाचन मुझ पे और लगा दो कि मैं हवस का पुजारी हूँ, हवस की बीमारी है मुझे, और मैं जनाना नहीं हूँ मर्द हूँ, और यहाँ तुमसे अपनी हवस पूरी करने आया हूँ। माफ करो भैया, हमारे छूने से तो अपवित्र हो जाओगी। हाँ और अपवित्र तो तेरा खत्म हो रहा है वहाँ चमेली को अपने सीने से चिपका के। ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकती हूँ? तो आए क्यों थे? आया तो घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? आया तो शर्बत क्यों पिलाया? गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलती हो? देखो बैठो, मैं कहती हूँ बैठो यहाँ, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गिरगिट की तरह रंग कौन बदलता है, और इसमें पूरा मानने वाली कौन सी बात है जी? साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहती हो। तो सुनो साफ साफ बात, तुम मेरी उंगली पकड़कर मेरे पहुंचे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी नियत पर शक नहीं होगा क्या? और एक बार को तो मैं ये भी सहन दिला भी, पर मेरे भरत ने जो मुझे झटका दिया है उसके बाद अब किसी के मुंह से मुझे डर लगता है। कैसा मुंह, किस बात का मुंह और किससे? पहले माँ बाप भाई बहन का मुंह, पिता क्या किया आज तक पलट कर कोई खबर नहीं। अरे चलो वो भी छोड़ो, फिर मैंने अपने मरद से वो किया, आखिर मुझे क्या मिला? वो ताला हारा भी उस नौटंकी वाली पतुरिया के चक्कर में मुझे ऐसा कच्चा दिया, मैं ऐसी पलटी खाई कि चारों खाने से। अरे तो इसमें मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे तू ही तो उसे भगा के ले गया था कमीने। मैं तो तेरी हरकतें इसलिए सहती रही, शायद एक दिन तू मुझे मेरे मरद से मिलवा दे, मगर मुझे यहाँ देखकर तेरी मर्दान की जोर मार रही है। अरे बसार बेगैरा, देख लो शांत होकर मेरी बात को समझ, मैं भी चाहता हूँ कि कांतिलाल से तुझे मिलवा सकूं, बदला लूं सलामी से, भरोसा रख मेरा। और जहां तक मेरे मर्दानेपन का सवाल है तो वो आगे पीछा नहीं देखता, आग के सामने घी पिघलता ही है, ना तो इसमें दोष आग का है और ना घी का। अरे दोस्त तो मेरे भाग्य का है, दो मर्दों के बीच चक्कर खिंडी की तरह पिसना पड़ा है मेरी किस्मत में। मैं अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ कि कांतिलाल को अगर तुम्हारे कदमों में लाके ना छोड़ा तो मैं मरद जात नहीं। कोई मतलब नहीं है इस बात का। मतलब है गुल्लो, मतलब है, चल मान ले लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर मैं कांतिलाल को यहाँ ना ला सका तो क्या तू चलेगी मेरे साथ उससे मिलने? अरे एक बार को तो मैं सोचती हूँ इसकी जरूरत ही क्या है, अरे जब उस निगोड़े को मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों अपना दिल चलाऊं? क्या मतलब? मतलब ये क्या मैं अकेली रहकर अपनी जिंदगी काटू तो कोई बुराई है इसमें? अरे जब वो अपने रास्ते पे चल रहा है तो मैं क्यों ना अपने रास्ते पे चलूं? अरे जब उसकी मर्जी है तो मेरी मर्जी क्यों नहीं? देखा आपने, अब आई लाइन पर बड़ी जहरीली औरत है।
देख लो, तू मुझे लाख हवस का कीड़ा समझ, पर यहाँ पर तेरी पीड़ा तो मैं ही समझता हूँ ना। और कौन है यहाँ तेरा? देख, जिस पे तुझे खुशी मिले तू वही काम कर, और जो तूने फैसला लिया है उसी में तुझे खुशी मिलेगी। सच? 100% सच, मेरा विश्वास कर। विश्वास? कैसा विश्वास? अरे यार, अच्छा मेरे पहले बच्चा के लिए। दिलावर, इससे कह दे, हट जा।
किसी के दर में चार जिसके संग तू भाग गया था यहाँ से। अरे तू क्यों आ गई चुट्टे हरामी की बातों में? ये इसका पेशा कि तेरा मान मतलब लेके गायब हो जाएगा। पिटाते रहना तुम। दिलावर इससे कह दे कि ये रोने धोने की नौटंकी बंद कर और ये कान खोल कर सुन ले अय्यास कि गुल्लो तो आप दिलावर के संग जाएगी और जाएगी क्या जा रही है। अरे ना समझ हवस का कीड़ा है ये तुझे चूस के छोड़ देगा भाग जाएगा एक दिन। और तू तो बिना चूसे ही भाग गया था हरामे। दिलावर इससे कह दे हट जाए मेरे रास्ते से। वाह गुल्लो रानी वाह। और तुम्हारा भी शुक्रिया कातिला तुम नहीं आते तो मेरे मन की मुराद ही पूरी होती। कसम से तुम्हारे आने से पहले गुल्लो मुझे हाथ तक नहीं रखने दे रही थी और अब देखो यही है कुदरत की माया कहीं धूप और कहीं छाया। थैंक यू वेरी मच कांतिलाल तुम नहीं आते तो मैं खाली हाथ रह जाता। अरे कमीना अरे कुत्ते कमीने छोड़ इसका गला छोड़। अरे साले कांतिलाल सारी अंतड़ियां बाहर निकाल के रख दूंगा। हां बैठ साले बैठ। देख साले तेरी तुरिया मैं भगा के नहीं ले जा रहा हूं। वो देख वो खुद मेरे साथ जा रही है। अबे हट साले। थैंक यू वेरी मच लोचन बाबा। चल कुल्लो नाच नौटंकी में और तो और जोकरों के आने से
नाटक की दो बॉडी की जरूरत हो गई, मगर कंपनी के मालिक माल लूटते रहे। अरे हमें तो अकेला माल समझा गया नौटंकी में, हमें खरीदो और बेचो। अतनंगा बना कर रख जाए हवस के मारे पर दोले। हम जैसी औरतें ऐसा नहीं होती का जैसी औरतें तो बनाई जाती है बचपन से। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। अरे हंसो मत, दौड़ो मत, खिलखिलाओ मत। बस धीरे धीरे छोटी सी लड़की अब औरत बन जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और जब वो औरत बन जाती है तो उसे बेच दिया जाता है। तुम्हारी परेशानी में समझ सकता हूँ चमेली। चमेली नहीं, चंद्रिका नाम था मेरा, चंद्रिका। चमेली जान तो मुझे बना दिया क्या? ना मैं चमेली रही ना चंद्रिका। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। के लिए तो आई, जाना ही था तो आई क्यों थी तुम? क्या मजबूरी थी? तुमसे मोह हो गया था, मेरी जिंदगी के तो पहले पुरुष थे जिससे मन बन गया था मेरा। जानती थी ये फरेब है, धोखा है, क्योंकि हम जैसे कलाकारों की जिंदगी में प्रेम मोहब्बत आशाएं कुछ नहीं होती। हमारी कला तो हमारे पेट से जुड़ी है। आज की आंखों में आज भी हमारे लिए कोई इज्जत नहीं। और वैसे भी हम जैसे कलाकारों को मान सम्मान से क्या मतलब, क्योंकि हमें तो हमेशा नफरत उपेक्षा और अपमान में ही जीना है ना। मुझे माफ कर देना, वो तुमसे आखिरी मुलाकात है, उसमें शायद मन का बात सुन रहा है। तुम्हारे अलावा मुझे सुनने वाला है ही क्यों? कोई नया आसामी फंस लिया है क्या? फांस लिया, हम दोनों ने एक दूसरे को फांसा। फांसू नहीं तो और क्या करूं? हाँ, तुम तो अपनी बीवी गुल्लो को छोड़कर मेरे साथ भाग गए थे। गुल्लो का क्या कर सकूंगा? तो फिर वो दिलावर के साथ क्यों भाग गई? तुमसे बदला लेने के लिए भागी। तुमने दिया है क्या उसे? हाँ, जनाने का पार करते करते उसके लिए हमेशा जनाना रहे, और तुमने देखा तो उसी पर फिसल गए। कांति बाबू लाश नौटंकी में दिलावर जैसे दलाली रकम पीते हैं। हमारे आपसी रिश्ते हैं क्या उनके साथ? आप कहाँ जा रही? कहीं जहाँ मुझे मेरी किस्मत लेकर जा रही, अपने नए कंपनी मालिक के पास। क्या मतलब? उसने खरीद लिया है मुझे। क्या मतलब? शहर में कोठी मेरे नाम पर, मेरे पुराने सारे कर्जे चुकता कर दिए हैं, और तो और पूरी कंपनी मेरे नाम कर दी है। किस कीमत पर ये सब कर रही हो तुम? तुम्हारे पास बचा ही क्या है जो मेरे लिए कुछ कर सको? हाँ, बता सकते हो मैं बात मुझे? उस कंपनी मालिक ने समझौता किया है मेरे साथ, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहेगा, और मैं उसकी रखेल बन कर रहूं। बचा सकते हो मुझे? है तुम्हारी औकात मुझे बचा लेने की? दिला सकते हो घर बार मुझे? उठा सकते हो मेरा खर्चा? उठा सकते हो मेरा खर्चा? चमेली, चमेली मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ चमेली। जाना ही होगा कांति बाबू, वो होने से पहले वो भंग होने की कल्पना कौन करता है? सच, मैं मन से नहीं छोड़ रही तुम्हें, मेरे लिए तो तुम तीर्था से कम। अरे बंद करो ये नौटंकी, फिर बेटे का लोटा हो तुम, मेरे पैरों की धूल से अपनी मांग भरने का स्वांग कर रही हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें?
हम जैसी हो कि तो मांग ये पूरी करी जाती है, मांग नहीं भरी जाती। हम जैसी नकेलों से भी ब्याह चाहता है कोई। तुम यहाँ से जाओ, अभी इसी वक्त जाओ। तुम्हारे मन में अगर कई बार के लिए भी मेरे लिए मोह उगा हो तो मुझे हमसे लगा दो। तुम एक कलाकार के तौर से मेरी सखा रहे हो, मेरे सहचर रहे हो। मैं विनती करती हूँ तुमसे बस एक बार। अरे ये कैसा मोह है तुम्हारा जो छोड़ के जा रही हो मुझे? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मैं बाहर फैलाए खड़ी हूँ। संतुष्ट कर दो मेरे अंदर की अच्छी औरत, मेरे सिरमौर, मेरे सहबान। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, मालिक आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए, बहुत गुस्सा हो रहे हैं वो, जल्दी आइए। Thank you.
सुंदर प्रस्तुति अभी आपके बीच में थी और आप सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां पूरे सभागार में कलाकारों के लिए जिन्होंने इतने शानदार ढंग से प्रस्तुति को अंजाम दिया, और इसके लिए निश्चित रूप से बधाई के बाद हैं आदरणीय श्री गोविंद कुमार कटारिया जी, जोरदार तालियां होंगी जी। और अब हमारे ये साथी कलाकार यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, मैं आपने इनकी अदाकारी देखी, मैं इन सबसे आपका परिचय करवा देता हूँ। मंच पर जो अभिनय का ये रंग आपने देखा उसमें शामिल थे नट पहले के किरदार में विक्रांत मणि त्रिपाठी, नट द्वितीय के रूप में नजर आए आशीष गुप्ता, कांता और कांतिलाल नीतीश भारद्वाज के रूप में, दिलावर और दिलावर के रूप में नजर आए शरद राज सिंह, कमला और कमल सिंह और नकर इन रूपों में नजर आए मंगेश पांडे, गुंडों के रूप में आपके बीच में भी वर्तिका मिश्रा, चमेली और मैला इन दोनों ही रूपों में आपके बीच में थी मनीषा मीरा, गुंडा पहले जो बने थे थे सत्यम मिश्रा, गुंडा टू के किरदार में थे विक्रांत मणि त्रिपाठी, गुंडा नंबर थ्री आशीष गुप्ता जी, सास बहू का भी आपने एक रंग देखा और उसमें नजर आई सास के किरदार में प्रतिभा विश्वकर्मा, इसके साथ ही साथ बहू के किरदार में भी सुधा पाल, बदली और ड्राइवर इन किरदारों में थे सत्य मिश्रा, मंजू के किरदार में पवन शर्मा आपके बीच में थे। किसी भी ऐसी प्रस्तुति को अपने अंजाम तक पहुंचाने में हमारे ये कलाकार तो निस्संदेह बहुत मेहनत करते हैं, इसके साथ साथ तो बहुत सारे और भी क्षेत्र होते हैं जो पूरा मिल करके एक रंग देते हैं, इस रूप देते हैं इस पूरे इस कार्यक्रम को। तो इसमें कुछ और नाम जो कि मंच से परे हैं उनमें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, प्रस्तुति नियंत्रक देवाशीष मिश्रा का, मंच सामग्री पवन शर्मा मनीषा मेरा, प्रकाश परिकल्पना शानदार प्रकाश संयोजन आप देख रहे थे कलाकार, और इस खूबसूरती से प्रकाश की जो परिकल्पना की वो देवाशीष मिश्रा की थी, संयोग आशीष संदीप अभिषेक सूरज सत्यम का था, दृश्य पत्र परिकल्पना देवाशीष मिश्रा की, संयोग विक्रांत सचिन ने वेशभूषा बहुत ही शानदार दृश्य आप देख रहे थे किरदारों में, ये वर्तिका प्रतिभा और सुधा आपके सामने आ जाए। इसके साथ ही साथ नाल के रमेश कश्यप थे, हारमोनियम के ओंकार सिंह, कार्ड रोशन पोस्टर इन सभी का काम संभाला विक्रांत मणि त्रिपाठी ने, और इसके आर्ट डिजाइनर मोहन वर्मा थे। कुछ और नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, सहायक निदेशक इसके प्रतिभा विश्वकर्मा है, जिसका है कि प्रकाश व्यवस्था डीसी गुप्ता और राजेश मौर्य की है, शिक्षक है कि ध्वनि व्यवस्था जितेंद्र सिंह नेगी की है, प्रस्तुति सहायक आईवेन जैक्सन का था, वे अधिकारी किशोर कुमार, लेखाकार विवेक पांडे, प्रशासन रश्मि अस्थाना और प्रस्तुति सहयोग कर्मी अंजलि श्रीवास्तव, अमरीश एवं कार्मिक के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं। ये तो था इन सभी का परिचय, और इसके साथ ही साथ अब मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पर कि हमारे निदेशक महोदय और मुख्य अतिथि जी जो है हमारे वो मंच पर आए, साथ ही साथ उर्मिल कुमार धवैया जी जो इस पूरे नाट्य प्रस्तुति का जिन्होंने शानदार तरीके से निर्देशित किया है वो कृपया मंच पर आए, मैं अनुरोध करता हूँ आप जोरदार तालियों में अपना स्वागत करें। आदरणीय उर्मिल कुमार धवैया जी हमारे बीच में एक जाना माना नाम है, हम सभी के लिए जोरदार तालियां बजते हैं, जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी भी हमारे बीच में है, मैं अनुरोध करूँगा हमारे निर्देशक महोदय से। एक नाम माफ कीजिएगा छूट गया है, कॉस्ट्यूम के लिए शीला जी का सहयोग रहा है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इसके साथ ही साथ मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा
कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उर्मिल कुमार पोखरियाल जी को कुछ देकर सम्मान दिलवाए। और हमारे विशिष्ट अतिथि जी वो भी हमारे इस कार्यक्रम के जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में। उर्मिल जी हमारे बीच में। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य अतिथियों समेत आप सभी रंग प्रेमियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हैं तभी रंगमंच है, आप हैं तभी रंगचर्या है, आप हैं तभी हमें आशीर्वाद और प्रोत्साहन है। रंगमंच का जो समकालीन परिदृश्य है, कंटेम्पररी थिएटर, उसके प्रति उम्मीद और आशा बढ़ाने का जितना काम वर्षों से भारतीय नाट्य अकादमी कर रही है, मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय उसके प्रबंधकों को, संचालकों को, विद्यार्थियों को, सहायकों को और थोड़ा बहुत हम लोगों को भी जाता है जिनका मार्गदर्शन मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गुप्ता जी का, जो वर्तमान निदेशक हैं, कि जिस ढंग से रंग कर्म की आत्मा को रंगकर्म के प्रसार प्रसार को अपने ढंग से पूरा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। जहाँ तक नाटक की बात है, रंगमंच की बात है, जीवन और रंगमंच दोनों एक जैसे हैं। जैसे जीवन नश्वर है, रंगमंच भी नश्वर है। दो घंटे पहले आप आए, नाटक समाप्त। लेकिन जैसे जीवन समाप्त नहीं होता मित्रों, रंगमंच भी समाप्त नहीं होता। यही शो कल भी था, यही शो आज भी है, यही जीवन कल भी था, वही जीवन आज भी है। मुझे लगता है आप सबके सहयोग आशीर्वाद से रंगमंच आगे भी ऐसे ही निरंतर प्रगति करेगा। आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल कुमार भवैया जी। और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी जितिन कुमार जी, प्रमुख सचिव संस्कृति जो हैं, मैं चाहूंगा उनसे कि वो हमारे लिए आशीर्वचन कुछ कहें, दो शब्द कहें हम सभी के लिए। मुख्य अतिथि महोदय जी, मेरे लिए ये सौभाग्य है कि आज तपलियाल जी को अपने सामने और इनके इस नाट्य प्रस्तुतिकरण को भी देखा। मैंने अपने छात्र जीवन में इनके नाट्य को मैंने पढ़ा, आज उसे देखने का न सिर्फ अवसर मिला बल्कि इनसे भी मिलने का अवसर मिला। और मैं सारे कलाकारों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने जान डाल दी बिल्कुल इसमें, इसके नाट्य को प्रस्तुतिकरण में मंच संयोजन, लाइट्स, साउंड और लाइव म्यूजिक जो सामने से चल रहा था, इन सभी ने इस नाटक में जान डाली है। और इन सबके प्रेमी आप सभी दर्शक हैं, आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो निश्चित रूप से संस्कृति विभाग एक से बढ़कर के एक नाटक इस रंगमंच को प्रस्तुत करेगा। और गुप्ता जी इस जितनी मेहनत कर रहे हैं, इसको हम लोग और भी पॉपुलर बनाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ, एक बात भूल गया था, क्योंकि संस्कृति सचिव हमारे पास हैं, हमारे मित्र मुख्य अतिथि थी। एक निवेदन करना चाहूँगा केवल मात्र, ये मेरा स्वार्थ भी समझ लीजिए। हम चाहते हैं हम सब कलाकार भारतेंदु नाट्य अकेडमी के, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे रंगमंडल, कि हमारा काम लखनऊ से बाहर भी होना चाहिए। अगर भारतीय नाट्य अकादमी को प्रतिष्ठा मिलनी है तो अपने घर में तो है ही है, लेकिन पूरा भारत जाने, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा एनएसडी समेत सब जाने कि भारतीय नाट्य अकादमी में क्या टैलेंट है, उसका काम कैसा है।
आशा है मेरा निवेदन स्वीकारा जाएगा और भरसक प्रयत्न करेंगे किसी नाटक को नहीं नाट्य अकादमी के किसी भी अच्छे नाटक को बाहर प्रस्तुत करने का जरूर अगर कार्यक्रम होगा तो मेरी आत्मा भी प्रसन्न होगी। मैं तो बस इस पूरे प्ले का जो टेकअवे है कि इतने बड़े लीजेंड से मुलाकात होना ये अपने आप में सबसे बड़ा टेकअवे है इस प्ले का। पूरे जितने भी किरदार हैं जिन्होंने अपने अपने किरदार को बहुत ही जीवंत तरीके से उन्होंने यहाँ पर निभाया सभी चाहे वो उल्लो रही हो चाहे वो शरद ने अपना किरदार दिलावरी का जो किया सभी ने अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और थपलियाल साहब की मैं अंतिम बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि हम लोगों ने फोरम क्रिएट किया है जिसमें जो यंग टैलेंट है जो हमारे उत्तर प्रदेश का है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत न केवल काबिल हैं बल्कि बहुत सशक्त हैं और जो उनके पास डिपार्टमेंट रहता है उसको परफॉर्म करके देते हैं सरकार को बहुत इम्प्रूव करते हैं। तो हम सबका सहयोग एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस रंगमंच को बढ़ाने का प्रयास है और पिछले लगभग 2-3 वर्षों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मैं थपलियाल साहब आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि रंगमंच को बढ़ाने के लिए हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो फोरम है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। आदरणीय थपलियाल जी मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने हमारे कलाकारों के बीच में उनका निर्देशन किया कलाकारों का और इस तरह की प्रस्तुति तैयार की। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है आपके साथ। एक नाटक हमारे छात्रों के साथ 98 में माधी तैयार किया था थपलियाल जी ने। कम से कम 15,000 लोगों ने उसको देखा महोबा महोत्सव में और पिन ड्रॉप साइलेंस था बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं था और इतना गजब नाटक था जो इनके नाटकों के बारे में निर्णय कहा जाए वो कम है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रमुख सचिव महोदय ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सचिव मिलते हैं डॉक्टर रियोम जी थे हमारे सचिव अब हमारे सचिव जितेंद्र कुमार जी हैं प्रमुख सचिव ये हमारा सौभाग्य है कि कला प्रेमी हैं और जिस क्षेत्र में भी ये रहे हैं सचिव उसको उस विभाग को बहुत ऊपर उठाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और आप आए यहाँ की प्रस्तुति देखने। साथ ही मुकेश भाई आपका भी बहुत बहुत आभार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार है धन्यवाद है कि आपने प्रस्तुति को देखा और आपके आने से ही हमारी प्रस्तुति को महत्व मिलता है कलाकार उत्साहित होते हैं। धन्यवाद।